दोस्तों, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। हमारी सेम गेस्ट कोमल शर्मा का हम फिर से स्वागत करते हैं। हाय कोमल, हाय, नमस्ते। नमस्ते दोस्तों। कोमल, जो हमारी बातें रह गई थी, हम हाँ, उस पे आगे बात करते हैं। बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ, जैसे ये कॉम्प्रोमाइज पे हम बात कर रहे थे, यस। है ना, आपके हिसाब से अगर कोई लड़की एक्चुअली रेडी है और वो कर भी रही है, हाँ, तो आपके हिसाब से क्या ऐसी लड़कियां सक्सेसफुल हो जाती हैं बस सोने के दम पे? बिल्कुल नहीं। अगर होती ना तो आज जितने स्ट्रगल हैं हाँ, तो वो काफी ज्यादा उसमें कॉम्प्रो वाले हैं, तो उनको आज पता नहीं बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल गए होते, आज वो स्टार होती, करेक्ट, जो सिग्नल पे खड़ी हैं वो भी सिग्नल आज पे वो स्टार भी होती हैं। स्टार होती। बिल्कुल करेक्ट सही करेक्ट बात है मैम। सोने से पता है क्या होता है, मतलब सोना कुछ नहीं, आप 10 मिनट किसी के साथ सो जाओगे, लेकिन जिसके साथ आप सोते हो ना, उसके सामने जो आपकी इमेज है ना, वो बहुत ज्यादा गिर जाती गिर है। जाती है। वो ये सोचता है कि जब ये मतलब काम के लिए, पैसों के लिए कुछ भी सोच सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, उसको मैं काम दू ना दू क्या फर्क पड़ता है, उसको जो चाहिए था वो मिल गया, करेक्ट, वहां पे मैटर खत्म हो मैटर गया। खत्म। तो आप क्या ही कर लोगे, वो काम नहीं देगा तो आपको, कॉन्ट्रैक्ट करेक्ट करेक्ट, में तो लिखा नहीं होता ना कि मैं आपके साथ सोऊंगा सोऊंगा। तो आपको 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ या 1 साल का। सो करेक्ट, गया का बात खत्म, मैटर खत्म। मैटर और खत्म। वैसे पता है, जब ना पैसे किसी के भी साथ सोते हो ना, तो हाँ नेगेटिविटी आप लेकर आते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट वो क्या करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं, अगर कहीं हाँ, और आप जाओगे ना तो, क्योंकि यार बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, बिल्कुल एक प्रोफाइल कम से कम 10 जगह वायरल होती है, तो वो बोल देते हैं यार ये लड़की तो ऐसी है, मैंने तो सब कुछ सीधा मतलब ऐसे वर्ड में बोलते हैं कि ये हाँ, तो है, कि मैंने तो ले लिया, मैंने तुम तो भी ले ले लो। लिया, तुम भी ले लो और छोड़ दो, हाँ सीधा बोलते। तो खुद को मत गिराओ, आप बिल्कुल उठाने बिल्कुल मतलब उठाओ गिराओ मत। करेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने रिसेंटली सुना था कि बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स हाँ आर्टिस्टों से पैसे मांगते हैं और कहते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, हम आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको कास्टिंग कॉल्स के लिए बुलाएंगे, हम आपको मैसेज करेंगे। ऐसा कभी कोई वाक्य नहीं आपके मैम, साथ हुआ? मेरे साथ ऐसा कोई सीन कभी नहीं हुआ। नो डाउट माता रानी की मेरे पे बहुत ज्यादा कृपा है, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ हाँ और भोलेनाथ की, हाँ तो मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ कि मुझे पैसे देने पड़े। हाँ तो हाँ एक बार हुआ था, हुआ। मतलब कास्टिंग के लिए नहीं, हाँ मैंने फोटो शूट करवाया, उसके लिए मेरे से उन्होंने डबल चार्ज लिया। मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने वहां पे बहुत कम दिया और खाया ज्यादा। शूट कराया, शूट की पेमेंट नहीं दी, तो उन्होंने बोला कि हमने एडिटिंग वालों को दे दिए। तो मैंने उनको बोला सर सच बोल के ले लेते ना, क्योंकि मेरी हाँ आदत है मैं मुंहफट हूँ, हाँ मैं मुंह पे बोल देती हूँ, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा। मैंने कहा सच बोल के ले लेते सर, मैं उससे ज्यादा दान कर देती। करेक्ट, और इन उस टाइम पे मैम मैं किसी अपने फ्रेंड को लेके आई थी यहीं पे, उसको भी मैंने कास्ट करवाया था, उन्होंने उसकी पेमेंट भी नहीं दी। मैंने कहा सर आप मेरी मत दो, एटलीस्ट उसकी दे दो, क्योंकि वो मेरे भरोसे आया है। करेक्ट तो करेक्ट। उनका नाम भी मैं बता दूं, प्रदीप बता, नाम है, प्रदीप साहू, अच्छा मैं नहीं जानती, नहीं जानते नहीं। वो मतलब। और जो मेरी कॉम्प्रो वाली फर्स्ट बात हुई थी कि हाँ आप मेरे को करके दिखाओ, वही है वो महान शख्स, वही है प्रदीप कि साहू, प्रदीप साहू जी। दोस्तों एक कोऑर्डिनेटर है जो अपने आप को कई बार प्रोड्यूसर भी प्रेटेंड करता है, और यस उसका नाम है प्रदीप साहू। बिल्कुल अगर आप ऐसे किसी आदमी के इंटरेक्शन में आते हैं, टच में आते हैं, तो दूर रहें, और अगर हो सके तो उसे घसीट कर पुलिस स्टेशन लेके जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे और उनके पास पोस्ट करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो एक ही पोस्ट को महीने में कंटिन्यू पोस्ट करते हैं, और या तो दूसरों के शूट के पोस्ट या कर फिर देते हैं। दूसरों के शूट के पोस्ट करते। तो उन्होंने मेरा पैसा खाया, मैंने मतलब बहुत ज्यादा सुना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सोचूंगी, मैंने किसी गरीब को दान किसी दे दिया, भिखारी को दे भिखारी दिया। को दे दिया, कोई बात नहीं, मेरे को ऊपर वाला है देने के लिए, तो ऐसा नहीं, हुआ। ये लोग तो ऐसी 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 हो, लायक होते लेकिन हाँ हैं। कास्टिंग के थ्रू मेरे साथ आया, मतलब किसी ने मेरे से पैसे नहीं खाया कि आप पैसे दो मैं आपको कास्ट करता हूँ। और ये बताओ, जैसे टीवी सीरियल्स में आपको पता है 90 डेज से 120 डेज का पेमेंट शेड्यूल होता है, जो भी टीवी शोज होते हैं वो 90 डेज में पेमेंट देते हैं, या फिर वो पेमेंट देंगे आपको 120 डेज में। लेकिन जब भी ये अपनी वेब सीरीज की बात आती है, ये लोग सेम डे पैसे देते हैं। कभी ऐसा हो कि आपकी पेमेंट फंस गई हो, या आपको कभी किसी ने चेक दिया हो, चेक बाउंस हो गया, और अब बार बार अपनी मेहनत के पैसे के लिए मेहनत कर रही है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं मैम, मेरे साथ ऐसा भी कभी नहीं हुआ। मैंने जितने शूट करे मुझे टाइम टू टाइम मेरी पेमेंट मिली है, कभी मतलब चेक बाउंस भी नहीं हुआ, मेरे ऊपर मेहरबानी हाँ, है। लकी हाँ तो तो हो। पेमेंट भी मुझे मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, शूट खत्म, हाँ, मुझे मेकअप रूम में आके पेमेंट दिया है मुझे लोगों ने, अरे वाह। मैम पेमेंट आपका। तो उस टाइम बहुत खुशी होती है कि मांगना नहीं पड़ता, अपने हक के पैसे वो सामने से देते हैं, कभी मुझे वेट नहीं करना पड़ा।
तो आप किसी रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं? नहीं, फिलहाल मैं सिंगल हूँ, हाँ क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है मेरे करियर पे है, हाँ कि पहले मैं करियर बना लूँ, खुद को इस लायक बनाना चाहती हूँ कि मुझे किसी की जरूरत ना हो, हाँ सामने वाले को मेरी जरूरत पड़े। प्राउड ऑफ यू। अच्छा, अगर मान लो किसी लड़के को तुम्हें इम्प्रेस करना है, तो तुम्हें लड़के की ऐसी कौन सी बात है जो अच्छी लगती है? देखो, हर इंसान का ना अपना एक माइंडसेट है कि लड़के में ये खूबी होनी चाहिए, वुड बी हस्बैंड हो, वुड बी बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, तो उसमें ऐसी कौन सी खूबियां होनी चाहिए जो आपको अट्रैक्ट करती हैं? करेक्ट। सबसे पहले वो लड़कियों की रिस्पेक्ट किस तरीके से करता है। एक होते हैं कि हाँ, मुंह पे बहुत अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे आप उसी के बारे में गाली देते हो। करेक्ट। लड़कियों की इज्जत करे, अपनी माँ को सबसे पहले रखे, हाँ चाहे वहां पे उस टाइम उसकी वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, हाँ क्योंकि मेरा मानना जो आपको इस दुनिया में लेके आए उससे बड़ा आपके लिए कोई भी नहीं है। तो अगर वो माँ को, मतलब माँ मानता है, क्योंकि माँ शब्द मैम बहुत, मतलब छोटा सा है लेकिन जो उसके मायने हैं बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। तो अगर उनको मानता है, घर वालों की इज्जत करता हो, उनको लेके चलता हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज मुझे अट्रैक्ट करेगी उसकी। लड़कियों करेक्ट। की केयरिंग, मतलब केयरिंग दो तरह की होती है, एक फ्लर्ट टाइप की और एक जो जेन्युइन वाली केयरिंग होती है। बिल्कुल केयर करे, रिस्पेक्ट करे, किस वे में वो आपसे बात कर रहा है, उसका टच कैसा है, नहीं है। और सबसे पहले कि फर्स्ट मीटिंग में वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि हम होटल में मिलेंगे। करेक्ट। अगर वो सच में दिल से अच्छा होगा तो आपको कहीं कॉफी शॉप पे बुलाएगा, हक तक नहीं करेगा, हाँ कैसे हो आप, बैठो, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि 4 दिन में प्यार नहीं नहीं होता, होता 4 साल भी लग जाते हैं, 4 महीने भी लगते हमारे हैं। यहाँ तो बॉम्बे में 4 मिनट में प्यार हो जाता आप है। 4 मिनट की बात करनी है, 4 घंटे, 4 दिन में ऐसा प्यार हो जाता है, मतलब निब्बा निब्बी वाला, कि अगर आप नहीं मिले हो तो हम मर जाएंगे। बस, और फिर दूसरी दूसरी मिल जाती है, उसके लिए हाँ, भी सेम लाइन है, उसके लिए तुम भी नहीं तो मिली तो भी हम मर भी जाएंगे। मर जाएंगे। अभी मूवी आई है तू झूठी मैं मक्कार, उसका जो गाना है ना, हाँ एक बार ही किया तो नहीं, गाना नहीं यार, गा सकते हम, गाना हाँ है मैं। अच्छा हाँ हाँ सॉरी, वो जो गाना है वो बहुत सही गाया है जिसने भी गाया है, कि हाँ हाँ पहले के लिए भी वही, दूसरे के लिए भी वही, तो तीसरे के चल लिए रहा एंड है सो ऑन एंड सो चलता ऑन। रहता है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा कभी हुआ है ऐसा, जैसे इतने सारे एक्टर्स हैं, ये सब कुछ है, क्योंकि आप नई है ना, तो मेकआउट सीन के टाइम पे आप ऐसे टर्न ऑन हो गई हो, आपको उसके लिए इमोशन आ गए हो, और आप चाहती हो बस यार कट ना हो, बस कट ना हो, ऐसे चलता रहे, ऐसा कभी हुआ? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ मैम, कभी नहीं हुआ ऐसा, हाँ। क्योंकि जो फीलिंग्स है मेरी वो बहुत मेरे कंट्रोल में है, ऐसे किसी के लिए भी नहीं आ सकती, करेक्ट। बहुत खास होगा वो। लेकिन हाँ, मेरे साथ सीन करते हुए एक लड़के को जरूर आ गई थी फीलिंग, और वो ऐसा लड़का था कि उसको, मेरी को आर्टिस्ट थी, उसके साथ भी आ गई। वाह, अरे भाई, तो कद्दू था जो हर जगह बच रहा था। पहले तो उसने बोला कि मैं ये बोल्ट नहीं करता, मुझे हाँ नहीं करना, और जब उसने एक सीन दिया उसके बाद जो उसके अंदर एक्साइटमेंट आई है, मतलब उसने फिर सीन गजब दिए, वाह, और जो उसने, मतलब उसके बाद कह रहा है कि यार मैं फीलिंग में बह गया, तो उसने एक सीन में 5 बार कट किए, सर रुको 5 मिनट दो मुझे, सर रुको, तो उसके उसका हो चुका था। कौन था वो लड़का? उसका नाम हिमांशु था, उसके साथ अभी मेरी रिसेंटली सीरीज आ रही है अलिंगन, तो हिमांशु, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो है। हाँ, और उनका ये मानना है कि वो कभी भी शूट करते हैं तो उन्हें फीलिंग आ जाती है, कोई भी लड़की हो, ये हमारे ऐसे भरे पड़े एक्टर नहीं भरे होते, भरे, ऐसे हाँ मिल जाए कोई भी। मिल एक है जाएंगे, ना एक लाइन है, कैसी लड़की चाहिए, बस बस जिंदा होनी चाहिए। जिंदा होनी चाहिए, हाथ पर हिलानी चाहिए, बस बाकी हम कर कर लेंगे। लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बता, कोमल जैसा बहुत टाइम से तो नहीं है ना, 2 साल से, हाँ, बिल्कुल, मैं ठीक अभी है? बहुत जल्दी, मतलब रिसेंटली आई हूँ बहुत हाँ, ज्यादा। तो जो आपको काम चाहिए होता है, तो आप लोगों को कैसे अप्रोच करती हैं, काम करने का प्रोसीजर क्या होता है? जैसे आपको कोई सीरीज चाहिए या कोई टीवी शो चाहिए, तो आप लोगों को कैसे अप्रोच कर सकती हैं, क्योंकि बताएं, ताकि लोग भी, अगर किसी को काम करना है तो वो कैसे अप्रोच करें? सबसे पहले तो खुद को सामने वाले के ऊपर डिपेंड मत करना कभी भी, कि आपने उसको छोड़ दिया कि नहीं सर आप जैसा कहेंगे, नहीं, आप अपनी बात रखो। मेरा कैसा है काम करने का तरीका मैम, मैं अगर काम करती हूँ तो मैं मिलने जाती हूँ, वो लोग हाँ, मुझे देखते हैं, मेरे बात करने के तरीकों को देखते हैं, मेरा काम देखते हैं, करेक्ट। मैं उनको ये नहीं बोलती कि सर आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी, मैं उनको बल्कि अपनी कंडीशन बताती हूँ, सर मैं ये चीज नहीं करूंगी, आपको काम देना है दीजिए, नहीं देना कोई बात नहीं। करेक्ट। तो वो कहते हैं कि, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आप कभी भी डाउन मत रखो, हाई रखो, कि
आप काम कर रहे हो, आपके अंदर मतलब खुद पे आपको भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। करेक्ट, जिसको काम करना होता है एक्टिंग सीख के भी वो नहीं कर सकता, और जिसको तरक्की करनी होगी वो उसने मतलब कुछ भी नहीं किया होगा तो भी वो एक्टिंग कर लेगा। करेक्ट। और एक्टिंग वैसे भी ना सीख ही नहीं जाती, ये सीखी अंदर नहीं, से अंदर आती है। से वो एक फील होता है कि हाँ मतलब हाँ करना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे कोमल ये बताओ, जैसे आपके बहुत सारे फैंस होंगे है ना, हाँ तो अगर वो आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग होंगे पता है जो आपको मैसेज करेंगे, बिल्कुल, आपने अगर उनको रिप्लाई कर दिया फिर तो बहुत अच्छे से, पर जैसे आप उन्हें रिप्लाई नहीं करोगे ना, आपको वो गालियां देना शुरू कर देते हैं, रात को आपकी सीरीज देख के बहुत खुश हैं, बहुत खुश बट हैं, जैसे आपने उनको रिप्लाई नहीं किया वो आपको गालियां देंगे, आपके साथ मिसबिहेव करेंगे, उल्टे मिसबिहेव सीधे करेंगे। कॉमेंट करेंगे, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मेरे पास मतलब ऐसे गालियों वाला कोई पर्सनल मैसेज तो आया नहीं है, लेकिन अगर मैं इंस्टा पे लाइव जाती हूँ बेबी आप लाइव जाती हूँ तो वो हाँ लोग कमेंट्स जरूर करते हैं गंदे गंदे, तो मेरा मानना है कि शायद उनके प्यार करने का यही तरीका है महान शायद वो ऐसे ही अपना प्यार जताते हैं, क्योंकि अगर मैं उन्हें जवाब दूंगी फिर वो और जवाब देंगे, करेक्ट तो करेक्ट। उनको मैं जवाब ही क्यों दूं? एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, फिर वो भी यही सोचेगा यार जब रिप्लाई नहीं कर रही तो मैं अपनी जुबान क्यों गंदी क्यों करूं। गंदी करूँ। तो ऐसे लोगों के लिए ये कि आप मतलब बोल्ड देखेंगे भी, और हाँ सबसे पहले यही लोग जाके हमारे ऐप को सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, करेक्ट बहुत मजे भी लेते हैं, और हाँ जहां हम इनसे बात नहीं करते तो आप ऐसी हैं, आप हाँ वैसी अंगूर हैं, खट्टे हैं। हाँ अंगूर खट्टे हैं, आप हाँ ये क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं करती, तो मैं इन सब चीजों पे कभी ध्यान ही नहीं देती। तो कोमल जैसे हमने आज तक तो काम नहीं किया है, आपने मेरे बारे में सबसे पहले कहाँ सुना, किससे सुना और क्या सुना वो बताइए। मैम, मैंने आपके बारे में सबसे पहले मेरी एक फ्रेंड है उनसे सुना, बहुत तारीफ सुनी मैंने नाम आपकी, बताएं आप। शिवन्या, ही इज माई अच्छा वेरी मतलब बहुत क्लोज है मेरे वो, हाँ तो बहुत अच्छी लड़की है वो, उससे सुना, उसने मुझे बोला भी कि आपसे मिलवाएगी करके, पर हाँ उस टाइम शूट पे हम बिजी थे। बहुत तारीफ सुनी आपकी कि गहना मैम बहुत अच्छी है, एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है, और आप सच में वैसी निकली भी, कोई वो झूठ नहीं था। उसके बाद आपके बारे में मुझे कुछ गलत बात भी सुनने को मिली, लेकिन मैंने उस पे बिलीव नहीं किया। जैसे मैंने कौन थे वो लोग और क्या जैसे ये बोला। था, आपको पता होगा रिसेंटली अभी जयपुर में शूट था रैबिट वालों का, हाँ 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 था ना, हाँ तो आप हाँ गए थे, आपकी मोनिका से शायद कुछ बहस हो गई होगी, मोनिका 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 विस्ट, अच्छा जो मेरी बहन का हाँ रोल या, किए थे, या वैशाली हाँ वैशाली हाँ 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 तो उसने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे करके मेरे से रूडली बात करी, तो वो मेरी अच्छी दोस्त है लेकिन मैं आपको जानती नहीं थी, पर मैंने आपके बारे में क्या बोला उसको लिटरली कि नहीं यार गहना मैम ऐसा नहीं कर सकती, तुझे कैसे पता, तू जानती है? मैंने कहा नहीं मैं जानती नहीं हूँ, मैंने जितना सुना है उसके हिसाब से मुझे पता है कि वो बंदी, सॉरी हाँ मैं मतलब हाँ हमारी टोन है, नहीं, हाँ, इवन हाँ वी टॉक लाइक दैट हाँ कि ओनली। हाँ वो बंदी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत अच्छा सुना है कि बहुत अच्छी है, मतलब वो शूट पे लड़कियों से इतनी ज्यादा अच्छी रहती है कि कोई नहीं रहता होगा। तो उसके बाद मैंने, मेरा एक फ्रेंड है गौरव, बहुत अच्छा दोस्त है, उससे भी मैंने आपके बारे में सुना कि हाँ बहुत अच्छी है गहना मैम, तो मैंने इतना सुना ना कि मैं वो हो गई, नहीं मुझे भी मिलना है तो आपसे, तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे तो मैंने मैसेज आपको किया। इंस्टाग्राम पे ढूंढा, हाँ हाँ, और ज्यादा टाइम नहीं लगा, सबसे पहले मैं तो डालते बहुत फेमस या आ गया तो हूँ सबसे पहले आ गया, फिर मैंने सोचा आपको मैसेज करूँ ना करूँ, आप क्या सोचोगे कि लड़की मैसेज कर रही है, क्योंकि हाँ आप, मुझे नहीं पता आप मेरे को जानते हो या नहीं, हाँ लेकिन मैंने सोचा नहीं, अगर मैं, मेरा मन साफ है, मेरी नीयत अच्छी, तो मैं कर देती हूँ। मैंने आपको मैसेज कर दिया और थैंकफुली आपने रिप्लाई भी किया, मुझसे बात भी की आपने, और हम फिर पार्टी में भी मिले थे, तो हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे मैम आपसे मिलके, मतलब आपके बारे में जितना सुना आप उससे कहीं ज्यादा अच्छी हो सुन लो सुन नहीं नहीं लो बहुत ज्यादा अच्छी है, और जब तक आप बंदे से खुद नहीं मिलते, नहीं जानते आप, मैं यही बोलूंगी किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए, कौन क्या कहता है कौन नहीं कहता, दुनिया में कोई सही नहीं है, ये देखो कि आपके साथ कौन सही है। करेक्ट। अच्छा वैशाली वाला क्या हुआ, मुझे लगता है ये वही की बात है जब इसने, वैशाली ने कहा कि उसे 5 दिन के लिए शूट के लिए बुक किया गया है और और तीन तीन दिन दिन का खत्म। शूट, हाँ हाँ तो क्या हुआ, हाँ ये सेम ना, ये वाली बात यही ना, यही यही तो मुझे शिवान्या का मैसेज आया कि मैम ये वैशाली करके आर्टिस्ट है, ये कह रही है 5 दिन के लिए बुक किए थे, 3 दिन में फ्री कर दिया। तो मैंने पहले पूछा वैशाली कौन है, मुझे शिवन्या कौन, उसने शिवान्या है अच्छा ना, उसी का मैसेज आया हाँ था, हाँ शिवान्या जिसकी बात तुम अच्छा कर रही अच्छा हो, अच्छा अच्छा शिवानी नाम है ना उसका। शिवन्या, हाँ, हाँ लेकिन तो वो नहीं थी शूट पे, नहीं मुझे शिवान्या का मैसेज आया ऐसे ऐसे करके अच्छा, कि वैशाली ने ऐसा ऐसा बोला है, तो मैंने बोला यार मैं तो प्रोड्यूसर थी ही नहीं सेट पर,
मैं तो आर्टिस्ट थी और जैसे वो आर्टिस्ट थी वैसे मैं आर्टिस्ट हूँ। बिल्कुल अब बिल्कुल एक बात बता, अगर मैं उस शो पे प्रोड्यूसर हूँ या डायरेक्टर हूँ तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी, लेकिन जब मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मैं तुम्हें जानती नहीं, तो मैं कैसे बुलाऊंगी? और तुम 3 दिन काम करो या 2 दिन, यार मैं तो आर्टिस्ट हूँ ना, मैं कौन होती हूँ? तो वैशाली, बेसिकली वैशाली नाम है ना उसका, जो मोनिका मोनिका, हाँ या उस, अच्छा मेरी सीरीज में उसका ना वैशाली ओके है। वैशाली था। तो मोनिका जो दूसरों को कह रही है कि मैंने 5 दिन के लिए बुक किया, अरे बहन, वैशाली माता, मोनिका देवी, मैं शो में प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं थी, जैसे आप आर्टिस्ट थी वैसे मैं आर्टिस्ट थी। तो जो ट्रीटमेंट आपको मिल रहा था शायद मुझे उससे थोड़ा बेटर मिल रहा था, क्योंकि मैं आपसे सीनियर हूँ। और बिल्कुल कोई फर्क नहीं है यार, और गलत फहमी या ना फैलाएं, ये जो डिसीजन होते हैं या तो ये कास्टिंग वालों के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के, मेरा कैसे डिसीजन हो सकता है? सही बात और है, सबको ये कह रही है मैंने बुक किया, व्हाई विल आई बी मतलब बुकिंग टू हायर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो मुझे एक और बात बताओ, जैसे बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जिनके बहुत सारे एम्बिशंस हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं? मैम मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी उनसे कि मेहनत करो, दिल से मेहनत करो, और अगर आप सच में लगन से काम कर रहे हो तो कोई भी मतलब सीख के कुछ नहीं आता, यहीं पे सीखना पड़ता है। आज तो बहुत बड़े स्टार है, उन्होंने भी मेहनत करी है। हाँ लेकिन यह है कि उनका कहीं ना कहीं लक साथ दे गया तो वो कर गए। आप भी मेहनत करो, कभी ना कभी तो आपको एक चांस तो मिलेगा। बस एक उस चांस का वेट करो और वहां पे आपको अपना कैरेक्टर दिखाना है कि हाँ आप कितनी मेहनत कर सकते हो। तो कभी भी हार मत मानना कि नहीं, 1 साल मुंबई में मैं रह रहा हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, घर चले जाओ। नहीं, मुझे भी स्टार्टिंग में काम नहीं मिला, एक कभी मिला, 6 महीने नहीं मिले, तो मैंने भी उस टाइम खुद को संभाला कि नहीं मैं मेहनत करूंगी। आज करेक्ट, मुझे सामने से फोन आते हैं, मुझे मतलब प्रोफाइल भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, बस मुझे डेट पता है कि हाँ इस डेट को मुझे शूट पे जाना है। लवली। हाँ तो कोमल मुझे एक बात बता, आपने कभी कोई बॉलीवुड वाली पार्टी अटेंड की है? नो मैम, नहीं की? आपने नहीं कभी सुना है यहाँ पे लोग बोलते हैं स्ट्रगलर्स की पार्टीज में जाने से काम मिलता है, ऐसा कभी आपने सुना है? मैंने सुना तो है लेकिन मैं कभी गई नहीं हूं। नहीं गई? अगर ऐसे काम मिलते ना तो आज पता नहीं सब कहाँ होते। हाँ कहाँ होते? करेक्ट। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ जी। कि जैसे कि यहाँ बहुत सारे स्ट्रगलर्स की भीड़ है ना, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बातें करते कि हम शाहरुख को जानते हैं, हम सलमान को जानते हैं, तुम्हें ऐसे लोग मिले हैं आज तक? हाँ मिले हैं, बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। तो पहले तो मैं उनकी सुनती हूँ, हाँ बाद में मैं बोलती हूँ कि सर जब आपके इतने अच्छे कांटेक्ट है तो आप मुझे क्यों कास्ट कर रहे हो? करेक्ट आप फिर करेक्ट ऐश्वर्या राय को लो ना, दीपिका करेक्ट को लो ना, आप करेक्ट हमें कास्ट करके क्यों मूवी बना रहे हो? हमें कास्ट करेक्ट करोगे तो नहीं चलेगी, हमें कोई नहीं जानता। आप कह रहे हो कि मैंने सलमान के साथ शूट किया है, किसी के हाँ साथ भी शूट किया है, तो आप मतलब क्यों? तो फेंकने की भी एक लिमिट होती लिमिट है, होती है। इतना मत फेंको कि जगह ना हो लपेटने की, थोड़ा कम यस, फेंको। अब पकड़ा जाता है यार आदमी हाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दे। अच्छा एक और चीज मुझे बताओ, यहाँ पे जैसे नए नए लड़के, मैं हाँ पहली बार किसी सेट पे जाती हूँ, वहां पे एक नए ऐसे लड़के आते हाँ हैं और एकदम बड़ी बड़ी बातें, अरे कोमल यू डोंट वरी, अगले प्रोजेक्ट में मैं तुम्हारा करवा दूंगा या करवा दूंगी, ऐसे लोगों से कभी मुलाकात हुई है? हुई है 1-2 बार तो बोलते हैं कि मेरी नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छे लेवल की है, हाँ बजट अच्छा है, ये है वो है। तो मैं उनसे भी यही कहती हूँ, अगर इतना अच्छा है तो फिर आप यार यहाँ 3,000 में तो 3,000 में क्यों आए? काम मैं बोल देती हूँ मैम कि अगर आप इतने अच्छे उसके लेवल, तो आप पहले खुद को कास्ट करवाइए, तो करेक्ट। यहाँ 3,000 में क्यों आप 12 घंटे यहाँ पे आ रहे हैं अपनी हाँ पसीने छुड़वाने के लिए? कहते करेक्ट नहीं ये तो मैं एज अ पार्ट टाइम, मतलब एक जॉब नहीं होता, पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ मैं। हाँ क्या बात है, आप इतने लकी है, मतलब पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और साथ में आप कास्ट भी हो रहे हैं। ये बकैती बाज हमारी इंडस्ट्री में बहुत मिलते हैं बहुत ज्यादा दोस्तों। मिलेंगे आपको। आप अपना इंस्टा हैंडल बताइए ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें, हाँ आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो बताइए, और आ यहाँ से फिर हम अलविदा करेंगे। ओके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कोमल शर्मा 1189, आप मुझे फॉलो करिए, वहां पे मेरे सारे वीडियोस हैं, उन्हें देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी जो रिसेंटली अभी प्रोजेक्ट आ रहा है प्राइम फ्लिक्स पे आ रहा है, अलिंगन के नाम से आ रहा है, और मेरे 2 सॉन्ग्स भी आ रहे हैं हरियाणा के, वो यूट्यूब का जो लिंक है मेरे बायो में मेंशन है, तो आप वहां से देख सकते हैं। यस दोस्तों, थैंक थैंक यू। यू सो मच।